नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखिए न्यूज शॉर्ट्स में। छात्रों को हरियाणा सरकार ने दी सौगात, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में छात्रों को सीएम मनोहर लाल ने बांटे टैबलेट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का 68वां जन्मदिन आज, ट्विटर के माध्यम से बधाइयों का सिलसिला जारी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से लेकर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जन्मदिन, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जन्मदिन की दी बधाई। ट्वीट कर दुष्यंत चौटाला ने सीएम को दी शुभकामनाएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी दी बधाई। सीएम मनोहर लाल के जन्मदिन पर बधाइयों का सिलसिला जारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जन्मदिन की दी बधाई। ट्वीट के माध्यम से सीएम योगी ने सीएम मनोहर लाल को दी शुभकामनाएं। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जन्मदिन, खेल मंत्री संदीप सिंह ने भी जन्मदिन की दी बधाई। ट्वीट के माध्यम से संदीप सिंह ने सीएम को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर बधाई देने वालों का सिलसिला जारी। इसी कड़ी में सीएम जयराम ठाकुर ने भी दी जन्मदिन की बधाई। ट्वीट के माध्यम से सीएम जयराम ठाकुर ने दी शुभकामनाएं। करनाल में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, देश को दहलाने की खालिस्तानी साजिश को किया नाकाम। करनाल से 4 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया, गोलियां बारूद के कंटेनर किए बरामद। चारों संदिग्ध पंजाब से महाराष्ट्र के नांदेड़ जा रहे थे। खालिस्तानी आतंकी रिंडा ने ड्रोन से भेजे थे हथियार। करनाल में पकड़े गए संदिग्धों पर सीएम मनोहर लाल का बयान, कहा पंजाब से मिली थी इनपुट, हरियाणा से कोई संबंध नहीं। सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। करनाल के पास बस्ताड़ा टोल पर पकड़े गए 4 संदिग्ध। करनाल से 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, आतंकियों पर अनिल विज ने दी प्रतिक्रिया, कहा आतंकियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। हरिद्वार पहुंचे सीएम योगी, भागीरथी पर्यटक आवास का लोकार्पण किया, बोले नई विकास गाथा लिख रहे यूपी उत्तराखंड। पीएम मोदी 3 देशों की यूरोप यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंचे, पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। मोदी मैक्रो के बीच यूक्रेन संकट और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। महंगाई की मार के आगे आरबीआई भी लाचार, रिजर्व बैंक ने इमरजेंसी मीटिंग में रेपो रेट 4% से बढ़ाकर 4.40% की। महंगा होगा आपका लोन, बढ़ेगी घर कार की ईएमआई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया ट्वीट, कहा आज आपकी सरकार बने 50 दिन पूरे हो गए। आज से 26,454 नौकरियों के विज्ञापन जारी हो चुके हैं। पंजाब के युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आने वाले दिनों में सरकारी निजी नौकरियों की व्यवस्था करेंगे। पानीपत के समालखा में निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों की बैठक। पन्ना प्रमुखों की बैठक में पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। निकाय चुनाव को लेकर की गई बैठक, कंवरपाल गुर्जर ने कहा जल्द निकाय चुनावों की होगी घोषणा। चंडीगढ़ में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी के लिए हरियाणा तैयार, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव ने की समीक्षा बैठक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर अधिकारियों के साथ किया मंथन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स को सफल बनाने की रणनीति पर हुई चर्चा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने मीडिया से की बातचीत, कहा कुरुक्षेत्र में 29 मई को आपकी होगी रैली, रैली में अरविंद केजरीवाल करेंगे शिरकत, रैली में जुटेंगे लाखों लोग। हरियाणा में पंचायत चुनावों का रास्ता साफ, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव करवाने की दी मंजूरी, हरियाणा सरकार तय करेगी चुनावों का समय। पंजाब सरकार ने अपना वादा किया पूरा, नौजवानों और रोजगारों को लेकर आज किया बड़ा ऐलान, सरकार के आज 50 दिन हुए पूरे। जागीरपुरी के बाद शाहीनबाग में चलेगा बुलडोजर, 9 से 13 मई तक एमसीडी चलाएगा अभियान, 8 वार्ड में होगी कार्रवाई। एमसीडी ने पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस से मांगी फोर्स। कोरोना के मामलों में आज फिर दिखा उछाल, देश में कोरोना के 3,275 नए मामले, 55 मरीजों की हुई मौत, फिलहाल देश में 20,000 के करीब एक्टिव केस।
अनंतनाग के मलखना के रिहायशी इलाके में लगी आग, देखते ही देखते आग ने कई रिहायशी घरों को लिया अपनी चपेट में। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, इसमें एक दमकल कर्मी हुआ घायल। पुंछ जिले के गुफलियाज में सड़क हादसा आया सामने, हादसे में व्यक्ति की हुई मौत, बुजुर्ग घायल। स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के सीतामढ़ी में बारिश से सड़कों पर भरा पानी, बारिश ने लोगों की बढ़ाई परेशानी, झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मंदसौर के सीतामऊ रोड पर पलटा गेहूं के कट्टों से भरा ट्राला, यातायात पूरी तरह बाधित, हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। झांसी में मछुआरों की हुई हत्या के मामले का पुलिस ने किया पर्दाफाश, मामले में पुलिस ने मृतक के सगे भांजे को किया गिरफ्तार। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बबुल का डंडा और नाव की पतवार भी की बरामद। बहादुरगढ़ में टैब वितरण समारोह में शामिल हुए ओपी धनखड़, छात्रों को वितरित किए गए टैबलेट, तो वहीं इस दौरान निकाय और पंचायत चुनाव पर की गई चर्चा। बल्लभगढ़ के मुख्य बाजारों में अतिक्रमण से परेशान दुकानदार, कहा प्रशासन का नहीं अतिक्रमण की ओर ध्यान, प्रशासन ने अभियान के बाद फिर हुआ अतिक्रमण। फरीदाबाद में लघु सचिवालय पर गेस्ट टीचर्स का प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को दिया ज्ञापन, दूसरे विभाग में ड्यूटी लगाने से गेस्ट टीचर नाराज। सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में इकट्ठा हुए किसान, गेहूं पर बोनस और खराब फसलों के मुआवजे की रखी मांग, मांगे पूरी ना होने पर दिया आंदोलन की चेतावनी। फतेहाबाद में नशे के खिलाफ पुलिस प्रशासन का अभियान, नशीले पदार्थ के साथ तीन नशा तस्कर गिरफ्तार, लाखों रुपए आंकी जा रही है नशीले पदार्थ की कीमत। पंचकुला में सदस्यता अभियान को लेकर जेजेपी की हुई बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की अध्यक्षता में हुई बैठक, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला भी हुए शामिल। बैठक में पिछले एक महीने के कामों की गई समीक्षा। गुरुग्राम में मारुति कुंज समिति मामले ने पकड़ा तूल, समिति के चार लोगों पर करप्शन के आरोप, एआरसीएस ने चारों आरोपियों को किया सस्पेंड, आरोपियों ने खुद को बताया बेगुनाह, आरोपियों ने एआरसीएस के खिलाफ किया प्रदर्शन। अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर हुआ सड़क हादसा, हादसे में चार कार सवार घायल, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। बिना स्टॉपेज के 20 मिनट रुके रहे अमृतसर हजूर नादेड़ एक्सप्रेस, चलती ट्रेन में चार महीने की बच्ची के पैर में कांच, जींद में नहीं था ट्रेन का स्टॉपेज, बच्ची के उपचार के लिए रोकी ट्रेन। बयाना में लापरवाही के चलते ट्रक चालक ने तोड़ी 11 केवी बिजली लाइन, अचानक बिजली की लाइन टूटने से बाजार में तेज धमाके के साथ आग की चिंगारियां फैली, करंट फैलने के डर से बाजार में मची भगदड़। रतिया में आपका सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, बिजली पानी की समस्या को लेकर किया प्रदर्शन और मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बिजली मंत्री रंजीत चौटाला के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, कहा जल्द दूर की जाए बिजली पानी की समस्या। बढ़ती गर्मी को देखते हुए हरियाणा में राज्य शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला, हरियाणा में बदला स्कूलों का समय, सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक खुलेंगे स्कूल। यमुनानगर में अचानक नदी का बहाव हुआ तेज, एक व्यक्ति नदी में फंसा, ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर निकाला बाहर। शाहबाद के गांव धनतौड़ी में रोशन सैनी ने मानवता की अलग मिसाल की पेश, आधा एकड़ जमीन में उगाया हरा चारा, गौ चिकित्सालय को दिया दान। कलायत में हुए गोलीकांड मामले को लेकर एसपी से मिला पीड़ित पक्ष, व्यापारियों का पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम, पूरी मार्केट अनिश्चितकाल के लिए बंद करने की दी चेतावनी, दो नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी पर की थी फायरिंग।
नारनौल में बिजली कटौती और पानी की किल्लत को लेकर आपका प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पानी की समस्या को जल्द दूर करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। रोहतक में इंसो छात्र इकाई ने खोला मोर्चा, वाइस चांसलर को हटाने की मांग। इंसो के जिला अध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने कहा, ज्ञापन के बाद नहीं हुई कार्रवाई तो करेंगे प्रदर्शन। फरीदाबाद में हुई बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को मिली राहत। लगातार भीषण गर्मी से लोग हो रहे थे काफी परेशान। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में बारिश होने की जताई संभावना। फरीदाबाद में भीषण गर्मी से लोग थे परेशान। इस बीच मौसम में बदलाव होने के बाद लोगों को मिली राहत। लोहारू के सिंघानी गांव में तालाब में नहाने के दौरान हुआ हादसा, पानी में डूबने से तीन लोगों की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटियाला में दो पक्षों में हिंसक झड़प का मामला। एसएडी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात। मुलाकात के बाद बोले एसएडी प्रधान सुखबीर सिंह बादल की नाकामियों को छिपाने के लिए सरकार ने करवाई घटना। पटियाला मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। कपूरथला में शहीद यूथ उपाध्यक्ष पहुंचे डिप्टी कमिश्नर कार्यालय। शहीद उधम सिंह की प्रतिमा स्थापित करने की रखी मांग। यूथ उपाध्यक्ष ने मांग को लेकर डीसी को सौंपा ज्ञापन। सिरसा में बदमाशों के हौसले बुलंद। सुरक्षा चाक चौबंद मारपीट का मामला। मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार। इस बीच पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।